है, हम लोग यस वाला तरफ ए ए एज ए एक्स टाइम्स टू लिख दिए, ठीक है। अगर नो वाला में क्या है, इसमें कोई नो वाला ब्लॉक नहीं है हमारे पास, एल्स वाला ब्लॉक नहीं है, क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा या नेक्स्ट सीक्वेंस में चला जाएगा, ठीक है। पहला वाला में क्या था, दो कंडीशन था, एल्स वाला पार्ट में भी मुझे कुछ लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई, माइक ऑफ कीजिए, ठीक है। इस वाला में क्या है, केवल एक्स लेस देन वाई है, अगर एक्स लेस, फिर से माइक ऑन हो गया आप लोग का, माइक ऑफ करके रखिए आप लोग, ठीक है। इसमें क्या है, एल्स पार्ट नहीं है तो उधर ब्लॉक भी नहीं है, ठीक है। अगर अगर एल्स पार्ट रहता तो ब्लॉक हमको बनाना पड़ता, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे नया सिंबल हम लोग ने कंडीशनल के लिए, आप लोग को पता था कि इस तरह का सिंबल हम लोग यूज करते हैं। ये जो ये सारा जो अभी डिस्कस किए हम लोग, ये कंडीशनल स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट था, ठीक है। ये देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये इटरेशन स्ट्रक्चर, ये वाला जो फ्लो चार्ट है हम लोग लूप में यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कॉमनली नोन एज ए लूप। लूप का मतलब क्या होता है आप लोग को पता है, लूप का मतलब होता है रिपीटेशन, जो काम हम लोग रिपीट में कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए फ्लो क्या हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। ये जो ब्लॉक है आपका, यहाँ पे ये जो बीच वाला है, यहाँ पे कुछ मान लीजिए कंडीशन दे दिया, x लेस देन y दे दिया, ठीक है। अगर ये ट्रू होगा, ये जो यहाँ पे ब्लॉक है, इस आपका रेक्टेंगल ब्लॉक जो है, रेक्टेंगल ब्लॉक एक्सीक्यूट करेगा, ये रेक्टेंगल ब्लॉक रेक्टेंगल, हेलो, मान लीजिए एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टेन इस ब्लॉक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा कि एक्स लेस देन वाई होगा तो किधर जाएगा, ये ब्लॉक के तरफ जाएगा, और फिर क्या जा रहा है, ये फिर ये ब्लॉक ऊपर चला जा रहा है, ये जो फ्लो है इसका फिर ऊपर जा रहा है, फिर कहाँ आ रहा है, फिर ये कंडीशन चेक कर रहा है एक्स लेस देन वाई, ठीक है। अगर फिर ट्रू हो गया तो फिर क्या जा रहा है, ये ब्लॉक में जा रहा है, एक्स का वैल्यू 10 बढ़ा दे रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है। तो इस तरह का जो फ्लो बनेगा उसको हम लोग इटरेशन स्ट्रक्चर का फ्लो चार्ट बोलेंगे या लूप का फ्लो चार्ट बोलेंगे, समझ में आ गया। ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ये ब्लॉक आपका रिपीट हो रहा है, ऊपर से बार बार ये कंडीशन चेक कर रहा है, जब ये फॉल्स होगा तो क्या होगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है। जब तक ये ट्रू होते रहेगा, एक्स लेस देन वाई होते रहेगा, ये अपना ब्लॉक एक्सीक्यूट करेगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ठीक है। ये दोनों उसी का है, उसी तरह का है। देखिए जैसे यहाँ पे है, ये क्या है, एक्स लेस देन वाई, अगर ये ट्रू हो गया तो प्रोसेस ए करेगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर चेक करेगा, फिर ये प्रोसेस ए एक्यूट करेगा। मान लीजिए कि आपका इन्फिनाइट लूप करता है ना, इन्फिनाइट नंबर्स आपको जनरेट करना है या लूप बनाना है, क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू चेंज ही नहीं करेंगे, एक बार अगर ये ट्रू हो गया तो क्या होगा, बार बार ट्रू होते रहेगा, ठीक है। लेकिन इस तरह का प्रोग्राम को हम लोग स्टॉप नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका एल्गोरिथम का क्या था, पहला स्टेप, फिनाइट स्टेप में आपका एल्गोरिथम कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फिनाइट स्टेप भी होना चाहिए जहाँ पे आपका प्रोग्राम एंड हो सके। ये समझ में आ गया, लूप वाला सेम ही है, बस उसमें क्या था, दो ब्रांच में डिवाइड हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीटिशन में ये कंडीशन चेक कर रहा है, ठीक है। देखिए जैसे आपका व्हाइल आपका आएगा, डू व्हाइल आएगा, फॉर लूप, ये तीनों जो कंडीशनल आपका स्टेटमेंट है ये लूप में काम आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको मैं एग्जांपल एक ले रहा हूँ, एक्स और वाई का वैल्यू,
x इक्वल्स टू 5 है और y इक्वल्स टू 7 है, ठीक है, दो वैल्यू दिया। यहाँ पे कंडीशन चेक किया, x लेस देन y, ये ट्रू हो गया। यहाँ क्या कर रहा है, एड 1 टू x, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा इस टाइम 5 प्लस 1, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, y का वैल्यू x का वैल्यू 6 हो गया। फिर ये क्या किया, ऊपर गया, फिर से चेक किया यहाँ पे कंडीशन, ठीक। इस बार भी ये क्या है, ट्रू है, x का वैल्यू 6 जो है लेस देन 7 है। फिर क्या होगा, x का वैल्यू ये फिर से 6 प्लस 1 कर देगा, ये क्या हो गया इक्वल्स टू 7। फिर ये गया, फिर जो ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, इस बार क्या है, x का वैल्यू 7 है और y का वैल्यू भी 7 है, क्या हो गया कंडीशन फॉल्स, मतलब अब ये नीचे चला गया, अपना नीचे साइड में चला गया, वहाँ पे अब एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये जो प्रोग्राम है कितना बार रिपीट हुआ, 2 बार। x का वैल्यू एक बार 5 से 6 किया, एक बार 6 से 7, ठीक है, समझ में आ गया। ये हुआ लूपिंग, अगर हम ये कंडीशन क्या हो गया, स्टॉप हो गया, ये मेरा फाइनाइट स्टेप में प्रोग्राम एंड हो गया, ठीक है। अगर हम बोलते x का वैल्यू चेंज नहीं करते यहाँ पे, ठीक है, मतलब यहाँ जो 1 to x ऐड करने के लिए बोल रहा है, ये नहीं करके हम लोग क्या करते, x का वैल्यू अगर ये कंडीशन रहता, मान लीजिए x इक्वल्स टू x, बस जो है वही रहेगा, तो क्या होगा, x का वैल्यू बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो क्या होगा, हमेशा ये रिपीट करते रहेगा। या x का वैल्यू हम लोग -1 कर दें, x इक्वल्स टू x -1 कर दें, क्या होगा, x और छोटा होता चला जाएगा, y से कभी बड़ा ही नहीं सकता है, बड़ा ही नहीं हो सकता है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, मतलब ये आपका इनफिनाइट लूप बन जाएगा। ये भी चेक आपको जब लूप का कंसेप्ट पढ़ाएंगे तो उस टाइम में ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना होगा कि कब मेरा प्रोग्राम स्टॉप करेगा या टर्मिनेट करेगा, ठीक है। ठीक है, कंट्रोलिंग स्टेटमेंट वही है, उसी तरह का है, ये क्वेश्चन है आपका। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, लूप है, ये क्वेश्चन है, लूप है, लेकिन 2 बार आपको 2 ब्लॉक एग्जीक्यूट कर रहा है। यहाँ पे देखिए कंट्रोल कर रहा है, इसी को जो एड 1 to x कर रहे हैं, यही कंट्रोल है। अगर x का वैल्यू चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा, इनफिनाइट लूप में मेरा प्रोग्राम चला जाएगा। तो ये कंट्रोलिंग, मतलब कंट्रोल कर रहा है, जो प्रोग्राम को है वो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वही है, उसी का कंसेप्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये पहले ही है, अभी तक जितना हम लोग डिस्कस किए थे वो क्या था आपका, पहले कंडीशन चेक कर रहे थे, उसके बाद हम लोग का ब्लॉक एग्जीक्यूट कर रहा था ना, पहले कंडीशन चेक किए, फिर मेरा उसके अंदर जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट कर रहा था, ठीक है। पहले सबसे पहले क्या किया हम लोग, कंडीशन चेक किए। लेकिन एक और भी हो सकता है, ये स्टेटमेंट को हम लोग ऊपर ही लिख दें, ठीक है। पहले क्या है, पहले डिस्प्ले किए x को, पहले डिस्प्ले किए, उसके बाद 1 ऐड कर दिए उसमें, उसके बाद कंडीशन चेक कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह का जो है उसको बिफोर कंडीशन चेक हम लोग करते हैं, पहले हम लोग एक्शन कर लेते हैं, जो भी चेंजेस करना है हम लोग को वो पहले कर दिए, उसके बाद हम लोग उसका कंडीशन चेक किए। जब हम लोग डू व्हाइल पढ़ेंगे तब ये इस तरह का फ्लो चार्ट हम लोग बनाएंगे, वहां पे डू व्हाइल में इस तरह का फ्लो चार्ट हम लोग का बनेगा, ठीक है। जो आप लोग इस पे जो है जितना भी हम लोग आज पढ़ रहे हैं, ये स्लाइड वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसका अपने से खुद से एक एग्जांपल लेके अपने से टेस्ट कीजिएगा प्रोग्राम कहां वीसीएस पे डाला हुआ है। ये वीसीएस आप अपनी क्लास के बाद उसको डाल देंगे, उसको वीसीएस से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। सर वीसीएस से एक प्रॉब्लम हो रहा है सर। क्या प्रॉब्लम हो रहा है सर,
होता है? VCS डाउनलोड हो जाता है लेकिन सर ओपन नहीं होता है। VCS सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। यस सर, क्योंकि सर वहाँ पे बहुत अच्छे से सर डाउनलोड हो जाता है बट ओपन नहीं होता है सर, एरर एरर बता देता है सर। अच्छा ठीक है, हम क्लास के बाद इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। तो ये हो गया आपका, पहले जो भी माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ, पहले हम लोग चेंज कर लेंगे जो भी आपका ये है एक्स का वैल्यू, उसके बाद हम लोग कंडीशन चेक करेंगे। ये डू व्हाइल के टाइम में हम लोग इस तरह का कोड हम लोग देखिए, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, डू व्हाइल में हम लोग इसको चेक करेंगे। ठीक है, कनेक्टर जो कल जो आप लोग को बताया था, कनेक्टर का सिंबल क्या है, सर्कल है। इसमें जैसे दो फ्लो को हम लोग कनेक्ट करना है, दो फ्लो चार्ट को या दो प्रोग्राम को, तो ये कनेक्टर से हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम है वो पहले से चल रहा है, यहाँ पे ए जो है, ये ए जो मेरा कनेक्टर का काम कर रहा है। ठीक है, ए जो यहाँ पे है ये कनेक्टर का काम कर रहा है, फिर ए जो है मेरा एक दूसरा प्रोग्राम है। ठीक है, इस तरह का यूज जब करेंगे, जब हम लोग फंक्शन यूज करेंगे तब वहाँ पे हम लोग कनेक्टर का यूज करेंगे। ये मॉड्यूल्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, ये थोड़ा सा एडवांस है। जब हम लोग फंक्शन या क्लासेस जब बनाएंगे हम लोग, ये सी प्लस प्लस में थोड़ा सा कंसेप्ट है क्लास का, ऑब्जेक्ट का, वहाँ पे हम लोग मॉड्यूल्स का यूज करते हैं। ये आप लोग के लाइक नहीं, मतलब अभी नहीं पढ़ना है इसे, इसको हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो है कम्बिनेशन, इसमें क्या है, मोर देन वन कंडीशन हम लोग चेक किए हैं। एक बार क्या है, एक नंबर मीन ले लिए एक्स लेस देन बी, हम लोग यस वाला पार्ट में जाएंगे, मतलब कि डबल कंडीशन अगर चेक करना होगा। जैसे मान लीजिए हम ले लें एक्स का वैल्यू अगर 5 और 10 के बीच में रहेगा तब मेरा एक्स का कुछ नंबर या एक्स के साथ कुछ ऑपरेशन करना है, तो उसमें कैसे चेक होगा। पहले तो हम एक्स को अगर ग्रेटर देन 5 होगा तब हम यस के तरफ जाएंगे, अगर एक्स लेस देन 10 होगा तब हम इस ब्लॉक में आएंगे, ये वाला जो है। ठीक है, अगर x का ग्रेटर देन इससे आ रहा है लेकिन x लेस देन मैक्सिमम नहीं हो रहा है, मतलब मान लीजिए x का वैल्यू 12 ले लें तो 5 और 10 के बीच में है नहीं, तो क्या होगा, x का वैल्यू ये वाला पार्ट करेगा, आउटसाइड द लिमिट हो गया वो। ठीक है, अगर लिमिट से पहले ही है, एक्स का वैल्यू मिनिमम 5 और 5 से पहले ही छोटा है, तो क्या कौन सा डिस्कस होगा, कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, तो तीन तरह का चीज है यहाँ पे। अगर मान लें हम एग्जांपल एक आप लोग ध्यान दीजिए इसका, अगर 5 और 10 के बीच में अगर एक्स का वैल्यू आएगा, ठीक है, तो कौन सा ब्लॉक हो, ये होगा। ये कंडीशन हम लोग पहले से मीन और मैक्स ले लिए हैं, मीन इक्वल्स टू 5 एंड मैक्स इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब एक्स का केस वन में है एक्स इक्वल्स टू 7, ये 5 और 10 के बीच में है, तो क्या डिस्प्ले करेगा, पहला वाला, ये विद इन द लिमिट, क्या डिस्प्ले कर देगा, विद इन द लिमिट। ठीक है, उसके बाद केस टू में हम एक्स का वैल्यू लिए एक्स इक्वल्स टू 12, क्या कौन सा पार्ट यूज करेगा, ये वाला करेगा ना, एक्स का मिनिमम से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, फिर क्या करेगा, यहां पे आएगा आपका एक्स लेस देन मैक्स, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, यहाँ पे फॉल्स हो गया, तो कौन सा एक्सिक्यूट करेगा, डिस्प्ले एक्स इज आउटसाइड द लिमिट। समझ में आ रहा है, केस थ्री में क्या होगा, केस थ्री में हम एक्स का वैल्यू 3 ले रहे हैं, ये क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन जो हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पे, यहीं पे फॉल्स हो गया, ये आगे जाएगा ही नहीं, ये क्या हो गया, ये वाला जो कटा हुआ आपको दिख रहा होगा रेड से, वहां पे ये डिस्प्ले कर देगा।
ठीक है, इसमें भी क्या करेगा ये आउटसाइड द लिमिट, ठीक है, ये आपका इस तरह का चेक करेगा। समझ में आ गया यहां तक? आ गया ना? ये इस तरह को हम लोग को बोलते हैं इटरेटिव या नेस्टेड, नेस्टेड कंडीशन या मल्टीपल कंडीशन यहाँ पे चेक कर रहे हैं। दो कंडीशन चेक कर रहे हैं, अगर तीन कंडीशन चेक करना होगा तो और बड़ा फ्लो चार्ट बनेगा, अगर पांच कंडीशन चेक करना पड़ेगा तो और ज्यादा बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी तक आप लोगों को कोई डाउट हुआ तो पूछिए।